अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाली ज़ात है, और खुश आमदीद कहते हैं आप सबको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक फोरम कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, PPSC की तरफ से फूड ग्रेन सुपरवाइजर्स के रिजल्ट आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अकेडमी के एक और होनहार स्टूडेंट ने इसमें कामयाबी हासिल की है। मैं आपके सामने उनका रिज़ल्ट भी शो कर देता हूँ। ये जनाब PPSC के जो रिज़ल्ट आए हैं उसके अंदर ये गुल जमान वारिस मुल्तान डिवीजन से इनका ताल्लुक है, 79 सीरियल नंबर पर ये आपको नज़र आ रहे हैं। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनके फैमिली को भी। ये एक बहुत अच्छा मौका है गुल जमान आपके पास, इंटरव्यू की भरपूर प्रिपरेशन करें, भरपूर तरीके से इंटरव्यू की, जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होकर जाएंगे, तैयारी भरपूर तरीके से करेंगे, तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। देखें, ये जो इंटरव्यूज़ होने जा रहे हैं उसके हवाले से मैं आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं यहाँ पर, कि जो इंटरव्यूज़ हैं वो आपका ये नहीं है कि कोई 2-3 महीने बाद होंगे, इंटरव्यूज़ आपके 18 अगस्त से पहले पहले इंशाल्लाह हो जाने हैं, ठीक है। क्योंकि आगे FPSC का नेक्स्ट फेज़ के टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं 18 अगस्त से, तो आप लोगों को स्पीड अप करना होगा। जो गुलजमान वारिस हैं, इनका रोल नंबर S15 था। ये मुझे इनका मैसेज रात ही आया कि सर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है। तो मैं इनको वंस अगेन मुबारकबाद पेश करता हूँ, बहुत बड़ी कामयाबी है, ऐसा नहीं है कि कोई छोटी कामयाबी है। टेस्ट पास करना भी एक मेहनती इंसान की निशानी है। हर कोई मतलब फारिग इंसान टेस्टों को क्लियर नहीं कर रहा होता, जिसके अंदर कोई दमखम होता है वही टेस्ट क्लियर करता है, ठीक है। लेकिन अब इंटरव्यू के लिए आपने भरपूर तरीके से अपने आप को तैयार करना है, एकेडमी को मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं और प्रॉपर वे में जो टारगेटेड क्वेश्चंस हैं ना PPSC इंटरव्यूज़ के, उनको आपने टारगेट करना है, ठीक है। ये नहीं कि बैठ के 1.5-1.5 घंटे के कहीं पर आप लेक्चर ले रहे हो, उससे तैयारी नहीं होती। जो पर्सनैलिटी के हवाले से जो क्वेश्चंस होते हैं, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस, टोकन क्वेश्चंस, डिपार्टमेंट रेलेवेंट क्वेश्चंस, हॉबी, फेवरेट पर्सनैलिटी, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों ने कवर करनी होती हैं और यही आप लोगों को आगे लेकर जाती हैं। उसके अलावा जी, एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। FPSC का एक नोटिफिकेशन आया है जी, और इस नोटिफिकेशन के हवाले से मैं आपको बता दूँ। ये देखिए जी, इस नोटिफिकेशन को आप देखिए। एस्पायरेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट FPSC इज़ कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2023 will be released on 9th July 2023 in print media due to Eid ul Adha holidays. जी, नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की आने वाली है और जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 है वो 9 जुलाई को प्रिंट मीडिया में आ जाएगी और FPSC की वेबसाइट पर भी आपके सामने आ जाएगी। तो ये भी एक खुशखबरी है कि जी अपकमिंग में जॉब्स हैं FPSC की तरफ से और PPSC की तरफ से, तो वैसे ही बहुत सारी जॉब्स आने वाली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो लिटरेसी मोबिलाइज़र का इशू है उसके हवाले से एक ऑथेंटिक वीडियो मेरी आने वाली है इंशाल्लाह, विद इन 1 आवर या तकरीबन 2 आवर्स के बाद मैं वो अपलोड कर दूंगा। उसमें आपको बताऊंगा कि जो केस चल रहा है उसका क्या इशू है, बल्कि वो लिटरेसी डिपार्टमेंट के मेरे अपने स्टूडेंट हैं मोहम्मद अशरफ विहारी से उनका ताल्लुक है, वो आपको बताएंगे कि मेन इशू चल क्या रहा है। इस फोरम से ऑथेंटिक खबरें ही आपके सामने आती हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।